respect to determination of the civil rights, this civil suit and appeal are pending. Despite the revenue authorities have passed the order on the partition under 178 MP Act. अपील में कोई स्टे है? नहीं सर, अभी तो पेंडिंग है सर. स्टे है क्या? नहीं सर, स्टे नहीं. स्टे नहीं है. डिक्री क्या है सर? सर वो हमने डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और इंजंक्शन की मांगा था, वो सूट खारिज हो गया. नहीं, प्लेनटेफ का हुआ पर काउंटर सूट अलाउ हुआ, डिक्री हुआ, फिर उसकी फ्रेश. आपने क्या मांगा था? डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन. यस सर. डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम फाइल किया, उसको आपका सूट खारिज हुआ, उसका काउंटर क्लेम अलाउ हुआ, फिर आपने अपील की, आपकी अपील भी खारिज हो गई. पेंडिंग पेंडिंग है. काउंटर क्लेम में क्या डिक्री थी सर? उनको टाइटल, उनको टाइटल होल्डर बता दिया था. अब आपकी अपील में स्टे नहीं है. तो फिर क्या होगा सर? 41(5) देखें, ऑर्डर 41 रूल 5. जी नहीं सर, मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू अथॉरिटी. मैं उसी के लिए उसी उसी के लाइट में आ रहा हूँ. अब सीपीसी का 41(5) देखें सर, निकालो ना. ऑर्डर 41 रूल 5 सब क्लॉज 1. जी, ऑर्डर 41 रूल 5 सब क्लॉज 1 एंड अपील शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर. बस हो गया आंसर. नहीं सर, मैं ये बस, देयर इज नो स्टे विद द रेवेन्यू अथॉरिटीज आर प्रिपेयर विद इन देयर राइट्स. नहीं, 178 में तहसीलदार ने उनका रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि द सिविल सूट इज पेंडिंग. फिर अपीलेट कोर्ट ने अब सेक्शन 44 की 1 की अपील पर रिमिट कर दिया मैटर डिसाइड अफ्रेश. बिल्कुल ठीक है. अब आप आइए 178 में. जी. उसको 3 महीने के लिए स्टे करना है. जी. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इंजंक्शन ऑर्डर फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट. जी. नॉट फॉर फाइलिंग अ सिविल सूट. फाइलिंग अ सिविल सूट इज नॉट सफिशिएंट. 178 देखिए सर. जी. टू ऑब्टेन एन ऑर्डर ऑफ स्टे फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट, फ्रॉम द सिविल कोर्ट ऑर्डर. जी. 178A partition of land in lifetime of Bhumisaw. Provide 1A देखिए. If a civil suit is filed within the period specified in the provision to subsection 1 and stay order is obtained from the civil court, the tehsildar shall stay his proceedings. Filing of civil suit is not sufficient. अब जो injunction जो decree हुई है. जी. काउंटर क्लेम में वो तो इफेक्टिव है और उसके ऊपर अभी स्टे नहीं है. नहीं, उस पे स्टे नहीं. हां, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज आर वेल विद इन देयर राइट टू प्रोसीड फर्दर सर. मैं हां इतना कर सकते हैं कि व्हाटएवर हैज बीन डन बाय देम दैट्स वेयर दैट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सिविल लिटिगेशन. यस, उससे पर्पस सॉल्व हो जाएगा सर. रिमिट कर दिया, तहसीलदार फिर प्रोसीड करेगा. ही विल पार्टीशन द लैंड. तो रिमिट कर दिया तो प्रोसीड करेगा ही ना सर. आपको कहां पे अपीलेट कोर्ट से स्टे दीजिए. सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन. हाँ, तो आप तो या तो अपीलेट कोर्ट से स्टे लीजिए ना. हाँ, है ना. तो ये क्या पार्टीशन के लिए है प्रोसीडिंग्स? 178. अच्छा, वो डिक्री कौन सी है सर? यस सर, एनेक्सर. यस सर, एनेक्सर P3 सर, P5 3/11/23 कमल विजय वर्गीय सर. जी, दिस इज. और ये तो गोविंद विजय वर्गीय जी ने फाइल किया था ना? नहीं, मैं कमल विजय वर्गीय जी हूँ, मेरे फेवर में डिक्री हुई, मेरा काउंटर सूट था. अच्छा, गोविंद विजय वर्गीय जी का सूट था, वो खारिज हो गया. जी. तो अब आपको, अच्छा अब आप क्या चाह रहे हो? आप क्यों आए हो फिर यहाँ? 44(1) में उनकी अपील रिमिट कर दी थी SDO ने. तो SDO ने क्या करना है? उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने क्या करना है? उसने खारिज किया कि पेंडेंसी ऑफ सिविल लिटिगेशन है, आई वी हैव नो जुरिसडिक्शन. वो मैंने आपको 178 पढ़वा दिया सर. तो वो जो भी करेगा, इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द डिग्री, है ना? डिग्री में फेवर 1462 ऑफ 2024 श्री धर्मेंद्र सोनी श्री मोहन सासरकर. दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ. इट इज सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर द पिटीशनर्स दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 had filed an application for partition. Tehsildar Sihornagar by order dated 6
3-3। 6/3/2023 पासिंग केस नंबर 9/8-27/2022-2023 डिसमिस द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पेंडेंसी ऑफ अ सिविल सूट इंस्टीट्यूटेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 अगेंस्ट द पिटिशनर एंड अदर पर्संस फॉर द सिस्टम इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द सेकंड सिविल जज क्लास सेकंड सिविल जज जूनियर डिवीजन सीहोर डिस्ट्रिक्ट सीहोर बाय जजमेंट एंड डिक्री डेटेड 3/11/2023 पास्ड इन सिविल सूट नंबर 1A/22/2014 हैज डिसमिस द सूट and has decreed the counterclaim filed by the petitioner, against which the respondent number one has preferred an appeal, but it is submitted that there is no stay in the appeal. It is submitted that against the order dated 6/3/2023 passed by Tehsildar Sihor Nagar, the respondent Number Madhur or Shashi. The respondent number 4 and 5 preferred an appeal which was registered as case number 168/appeal/2023-24 by order dated 3/5/2024 passed by SGO Sihor District Sihor. The appeal has been allowed and the order dated 6/3/2023 has been set aside and the matter has been remanded back to the trial court, to the Tehsildar to decide the application filed under section 178 of MPLR code. Challenging the order passed by the SDO, it is submitted by counsel for petitioner that since the suit filed by the Kamal to aap ho gaye na? उसमें प्लेंटिफ कौन थे गोपाल कृष्ण जी गोपाल कृष्ण द सूट फाइल्ड बाय गोविंद है सॉरी गोविंद गोविंद विश्वकर वे गोविंद विजय वर्गीय हैज बीन डिसमिस्ड एंड द काउंटर क्लेम फाइल्ड बाय द पिटिशनर हैज बीन अलाउड एंड देयरफॉर द रेवेन्यू अथॉरिटीज कैन नॉट प्रोसीड फर्दर under section 178 of MPLR code, consider the submissions made by counsel for the petitioner. Section 178 bracket may 1 capital dash capital A bracket clause of MPLR code reads as under. Thus it is clear that whenever the question of title arises, comma, the Tehsildar shall stay the proceedings under section 178 of MPLR code with a liberty to the litigating parties to approach the civil court, and if the party approaches the civil court and obtains an order of stay, then the Tehsildar shall stay the proceedings. In the present case, civil suit was pending. The was pending when the application under section 178 of MPLR code was being considered by Tehsildar. Now the civil suit has been dismissed, and although an appeal is filed, but according to the petitioner, there is no stay. Order 41, Rule 5, bracket may 1 of the CPC reads as under. Therefore, mere filing of appeal would not amount to stay. Thus, if there is no stay, then the Tehsildar has to proceed further under section 178 of MPLR code in accordance with the decree passed by the trial court. Minister. Accordingly, it is directed that thus this court is of considered opinion that no illegality was committed by the SDO by remanding the matter back to the Tehsildar Sihor Nagar with a direction to proceed further in accordance with the provisions of section 178 of MPLR code. It is made clear that the application shall be decided strictly in accordance with the decree of the trial court, and the order passed under section 178 of MPLR code shall be subject to the final outcome of the civil litigation. With the aforesaid observation, the petition is finally disposed of.